शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है। कहते हैं शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं वो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि अब अपनी चाल बदलने वाले हैं। जुलाई के महीने में 1 तारीख से शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। इस दौरान शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। शनि के चाल परिवर्तन का सीधा असर 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि 3 राशि वालों पर शनि खूब मेहरबान होंगे। देखिए 1 जुलाई 2024 को शनि भगवान जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है उस नक्षत्र में ये वक्री होंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, कुंभ राशि में वक्री होंगे। तो शनि भगवान जब भी वक्री होते हैं तो अपनी पिछली राशि का ये फल देते हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र में वक्री होने की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि सोने और चांदी के क्षेत्र में, सोना के क्षेत्र में कुछ उछाल उत्पन्न हो सकता है, शेयर मार्केट में उछाल उत्पन्न हो सकता है। और राशियों की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो इनके वक्री होने के वजह से जहाँ कुंभ राशि पर थे और मेष राशि के लिए कष्टदायक था, वही जब तक वक्री रहेंगे तब तक मेष राशि के लिए उन्नतिदायक हो जाएगा और उनको लाभ प्रदान करेगा। मेष राशि वालों के लिए कर्म के लिए अच्छा हो जाएगा, उनका कर्म बलिष्ठ रखेगा। वृक्ष राशि वालों के लिए शनि अच्छा फल देंगे। बकरी होने के बाद शनि जो है वृक्ष राशि वालों के लिए भी आपके भाग्य भाव पर आ जाएंगे। तो भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम के आधार पर वृक्ष राशि में शुक्र के मित्र हैं तो उनको लाभ पहुंचाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके ये जो है मकर कुंभ से मकर पे जब आ जाएंगे तो ये तृतीय स्थान में होंगे, तो इनका कार्य क्षेत्र बाहरी कार्य क्षेत्र प्रगति पर होगा।